स्वागत है वापस से हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज काफ़ी खास दिन है छत्तीसगढ़ वालों के लिए, क्योंकि पहली बार होने जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल मैच। और मेरे पीछे है कोर्ट यार्ड, जहाँ टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ रुकी हुई है। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और 11 बजे के आसपास वो लोग यहाँ से निकलेंगे और हम तुरंत चलते हैं स्टेडियम और वहाँ का माहौल दिखाते हैं। और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ऑल क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए वीडियो में एंड तक। यहाँ टीम इंडिया और न्यूजीलैंड रुकी हुई है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम स्टेडियम के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग, टी शर्ट, कैप दिख रहे हैं। सिक्स नंबर गेट पे सबसे ज़्यादा भीड़ है और हम लोग का भी 6 नंबर ही है। यो, 1.5 घंटे लाइन लगने के बाद फाइनली एंट्री मिल चुका है, ना है अपर 6, तो अभी जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत दूर दूर से लोग मैच देखने के लिए यहाँ आए हैं। देश के अलग अलग जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं मैच देखने के लिए। रायपुर पे जहाँ पे पहला इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है और आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही सुंदर स्टेडियम है। आज हम आपको सर्वे करवाएंगे ड्रेसिंग रूम का। तो ये है रोहित शर्मा जी, हमारे कैप्टन बैठे हैं और इनके साथ आप देख सकते हैं विराट भैया और साथ में ही वाइस कैप्टन हार्दिक। तो देख सकते हैं आप बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पे प्लेयर्स बैठते हैं। जब मैंने आपने 200 बनाया था तो उसमें मेरा कितना योगदान था, थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैच के पहले इन्होंने मुझे बोला था बहुत सीरियस रहने और टाइम पे सोने के लिए कि करना है तुझे, ये बिलीव रख कि तुझे 100 मारना है। मैंने इनका एक भी बात नहीं सुना क्योंकि मैं वहां था नहीं, बांग्लादेश। ये हमारा मसाज टेबल, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा बैक रिलीज या किसी को कुछ ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो वो इस टेबल पे होता है। अच्छा फ्यूचर है तेरा। आप सोचते हो हम क्या क्या खाते हैं, तो आ जाइए। तो आप देख सकते हैं नान है, स्टीम राइस, जीरा राइस, दाल टमाटर, आलू जीरा। तो ये एक ड्रेसिंग रूम है और पहला मैच इंटरनेशनल मैच होने वाला है, तो एवरीवन वेरी एक्साइटेड और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेसिंग रूम। सीटें वेरी कंफर्टेबल, आपको पुलियन सीरीज जीते और फिर किसी को पकड़ के लाए। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, अभी तो पूरा सीट खाली है। और गाइस यहाँ पे 2 प्लेयर आए हैं प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में, पहचान नहीं आ रहा यहाँ से कौन कौन है। यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू हो गई है और पब्लिक की आवाज़ बहुत तेज, और देखिए यहाँ पे कैमरे को देखकर पब्लिक का रिएक्शन। और ये मेन कैमरा है, 3 बड़ा कैमरा है यहाँ पे। प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 12:40 और यहाँ पे नेट को निकाला जा रहा है। अभी 1 बज रहे हैं और बाहर अभी भी भीड़ है और यहाँ पे टिकट दिखाकर आप बाहर आ सकते हैं और बाहर से अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे खाने का सामान काफ़ी महंगा है और पानी फ्री है, यहाँ से पानी पी सकते हैं। यहाँ पे इंडिया ने टॉस जीता है और बॉलिंग पहले करने का फैसला लिया है, तो अभी न्यूजीलैंड की टीम उतरेगी बैटिंग के लिए। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सीएम सर भी आ चुके हैं
पे कैमरा चालू हो गया और शायद हम डिस्प्ले में आ सकते हैं। यहाँ ग्राउंड में अंपायर आ चुके हैं और बस कुछ ही देर और यहाँ पे इंडिया टीम भी आ चुकी है ग्राउंड में। फर्स्ट इंटरनेशनल मैच इन छत्तीसगढ़, फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट ओवर और फर्स्ट बॉल। और यहाँ पे पहला विकेट मिल चुका है इंडिया टीम को। यहाँ पे स्कोर कुछ ऐसा है, 0-1। यहाँ पे पांड्या भाई खुश नहीं लग रहे हैं, हाथ लगा के बोल रहे हैं। ड्रोन आगे, यहाँ पे ड्रोन कैमरा भी यूज किया जा रहा है, लोग शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पे ड्रोन दिखाई दे रहा है टीवी में, कुछ बीच बीच में ड्रोन शॉट्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पे दूसरा विकेट गिर गया है न्यूजीलैंड का, मेरे को पता नहीं है न्यूजीलैंड की टीम का नाम क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ। यहाँ सब परेशान है क्योंकि न्यूजीलैंड रन नहीं बना रही है और जब रन नहीं बनेगा तो मैच रोमांच कहाँ आएगा। 10 रन पे यहाँ पे 3 विकेट हो चुका है, 7 ओवर 3 बॉल और यहाँ पे रन नहीं बन रहा, अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं आई है। यहाँ पे पांड्या के पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ पे पांड्या पैर का मसाज करा रहे हैं। रायपुर एक और बार हम सभी को यहाँ पर याद दिलाना चाहेंगे आज के अंत में आप सभी के लिए एक यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसका मतलब ये है कि मैच जब खत्म हो कोई भी अपने सीट से नहीं हिलेगा, एक लाइट एंड लेजर शो यहाँ पर खासकर आप लोगों के लिए हमने प्लान किया है। बैक साइड दिखाओ, बैक साइड पीछे विराट, अच्छा सामने ही है, ठीक है भाई थैंक यू। यहाँ पे बहुत मुश्किल से न्यूजीलैंड ने 100 रन कंप्लीट किया है, 29 ओवर 3 बॉल, 102 रन 6 विकेट। यहाँ पे एक और सफलता इंडिया को,
शॉट दिखाया जा रहा है और ये ऊपर ड्रोन उड़ रहा है। फ्लैग का कलर निकल गया मेरे में लगा हुआ है। चौदह सोलह साल का बच्चा था जो दौड़ के रोहित शर्मा से मिलने चले गया। दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि विकेट गिरे और विराट कोहली आए और फिर विराट कोहली सूर्य कुमार यादव क्योंकि मैच खत्म हो जाएगा ऐसे ही। गाइस यहां पे सारे लोग फ्लैश ऑन कर दिए हैं। बोलिए बोलिए आप सभी।
पब्लिक की इंतजार खत्म हुई, विराट कोहली अब आ चुके हैं मैदान में। इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा टी शर्ट पहने हैं लोग विराट कोहली का, विराट कोहली के सबसे ज़्यादा फैन हैं हम। और कोहली के आउट होने के बाद आ गए हैं ईशान किशन, बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। कोहली के आउट होने पर पब्लिक थोड़े से निराश है, बहुत अफसोस हो रहा है कोहली को, भाई उसको बहुत अफसोस हो रहा है। जीत के लिए चाहिए 3 रन। इंडिया मैच जीत चुका है, जैसा रोमांच पब्लिक को उम्मीद था वैसा रोमांच तो नहीं मिल पाया, लेकिन इंडिया जीत गया, खुशी है। और यहाँ पे लेजर शो होने वाला है जिसके लिए पब्लिक को यहाँ पे रोका जा रहा है। स्टेडियम में पहली बार लेजर लाइट का कुछ शो होगा जिसे देखने के लिए पब्लिक को यहाँ पे रोक दिया गया है।
पे मैच ख़त्म हो गया है और लेजर शो भी ख़त्म हो गया। हम लोग जा रहे हैं बाहर पार्किंग की, गाड़ी निकाल कर सीधा बिलासपुर चलेंगे। तो अब इसको यहीं पर देखिए, स्टेडियम में सब बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है बाहर अभी।